एड्रेस वेरिफिकेशन घर बैठे यार 2 मिनट में कर सकते हो। इतनी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, 1 साल 2 साल निकल गए मेरे ये सीखने में कि एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अगर आपका भी चैनल मोनिटाइज हो चुका है, बस आप अच्छे हो, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, आईडी वेरिफिकेशन हो चुकी है, बट एड्रेस वेरिफिकेशन अगर आपका नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देख के आपका पक्का से एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाने वाला है। वैसे तो ये मेरा कोई मिस है नहीं इससे वीडियो बनाने का, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइस। मेरा भी यही प्रॉब्लम आ रहा था, मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए बट किसी भी वीडियो में वो मुझे मिल ही नहीं पा रहा था कि बस मुझे ये एड्रेस वेरिफिकेशन मेरा हो जाए। तो बट आपको इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी गाइस। तो छोटी सी स्टोरी अपनी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा ना चैनल 2022 में ही मोनिटाइज हो जाता था, अब भी जस्ट मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ है, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ कि भाई आप एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनटों में। यस गाइस, सिर्फ 2 मिनट में विदाउट पिन। आपको पिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पिन अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पिन के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि इतने दिन आए पिन हम वेट करें, एड्रेस वो मतलब डाले, कौन सा एड्रेस डाले। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कौन सा एड्रेस डाले, हम इधर रहते हैं अभी उधर चले गए, बहुत कंफ्यूजन थी जब मैं एड्रेस वेरिफिकेशन करने गई थी। बट ट्रस्ट मी गाइस, न्यू वाला वीडियो आप पूरा देखो, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैं अपनी आपको स्टोरी बताने वाली थी, मेरा चैनल 2022 में ही मोल ना शॉर्ट्स थे ना उसपे बहुत अच्छे ना व्यूज चले गए थे, मतलब मेरे 3 शॉर्ट्स पे 1 मिलियन व्यूज आ गए थे। तो उसका मुझे रिवॉर्ड मिला था, वो मे भी मोनिटाइजेशन नहीं था, वो रिवॉर्ड था। तो उसमें से मेरे को 7000 की 8000 समथिंग रिवॉर्ड आया था, बट वो मैं ले नहीं पाई थी, मतलब क्लेम नहीं कर पाई थी उस रिवॉर्ड को, जस्ट बिकॉज मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने ना छोड़ दिया उसको, मैंने एक ही बार अप्लाई किया, तब मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, ना ही मैंने वीडियो ज्यादा सर्च करे थे, नहीं आया था। बट मैं वेट बहुत ज्यादा कर रही थी कि पिन आ जाएगा तो उसको मैं फिल कर दूंगी एंड मेरे पैसे आ जाएंगे, बट मेरे पैसे तब आ नहीं पाए थे। एंड ऐसा भी नहीं कि वो अब ऐड होके मेरे ना अकाउंट में आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो चले गए, उसकी पेनल्टी डेट खत्म हो गई। आई थिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म देने वाली हूँ, उसको जाके फिल करो, पब्लिक आईडी आपसे पूछेगा, वो जाके आप फिल करो। अगर आपको नहीं पता ना आपकी है ना गूगल पब्लिक आईडी कौन सी है, तो आपको है ना गूगल एडसेंस में वो आईडी मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, या आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो आपकी पब्लिक आईडी, तो आपको इजीली मिल जाएगी। मुझे भी नहीं पता थी, मैंने सर्च करी एंड बहुत इजी था ढूंढना, थोड़ी बहुत छेड़खानी कर सकते हो आप गूगल में जाके। एंड वहाँ पे आपको दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगा पैन कार्ड आपका एंड बिल, ये दो आपको चीजें वही चाहिए जो आपने टैक्स में भरी हुई होगी। यस गाइस, आपको ये दोनों चाहिए तो आप अपना जो एड्रेस वेरिफिकेशन घर बैठे यार 2 मिनट में कर सकते हो। इतनी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, 1 साल 2 साल निकल गए मेरे ये सीखने में कि एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है। एक दो साल में एक तब का टाइम था एंड एक आज का टाइम है। आज जब मेरा है ना एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, मैंने एक बार पिन के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने दूसरी बार अप्लाई कर दिया, मेरा पिन दोनों बार नहीं आया। दूसरी बार मैंने अप्लाई किया, मैं ज्यादा वेट टू बी ऑनेस्ट कर नहीं पा रही थी, मैंने सिर्फ 7 दिन वेट करा एंड उसके बाद बहुत ज्यादा यूट्यूब पे सर्च करने लग गई कि आखिर आएगा कैसे गूगल पिन। फिर मुझे एक, जैसे कि मैंने बोला, एक वीडियो काफी ज्यादा काम में आ गया, चाहे तो मैं उस वीडियो की भी लिंक दे दूंगी, अगर आप उस वीडियो तक अभी तक नहीं पहुंचे तो आप वो वीडियो भी एक बार अच्छे से देख सकते हो एंड वो 100% वर्क करता है वो वीडियो। सो यस गाइस, अगर आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना है तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए मिल जाएगा, उसको आप बेझिझक फिल कर देना, ऐसे कोई फेक फॉर्म नहीं होगा कि आप कुछ दूसरा ही भरवा रहे हो। तभी के तभी 48 आवर्स का भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगा। यस गाइस, आपने सही सुना, मतलब इतना ज्यादा जो आप वेट करते हो ना वो आपका पूरा वेट खत्म हो जाएगा वहीं पे एंड यू विल थैंक मी लेटर, बोल देना कमेंट में। सो यस गाइस, मैं यही वीडियो बनाना चाहती थी जस्ट बिकॉज कि मैं हेल्प करना चाहती थी आप लोगों की। मुझे पता है कैसे फील होता है अगर आप इतनी ज्यादा यूट्यूब पर मेहनत करते हो, बस एक चीज के लिए आप अटक जाते हो, सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, तब तक आपके पास आपके पैसे आ ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो। तो एड्रेस वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो अभी मैं पता है किस चीज पे अटकी हूँ, मैं अभी अटकी हूँ, मेरी पेमेंट तो रिलीज हो गई है बट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आ रही। अगर वो आ जाती है ना गाइस तो मैं आपको अपने वीडियो में आगे बताऊंगी, तो उसको आने दो। अगर आपको भी यस गाइस, आप एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेते हो उसके बाद आपकी भी पेमेंट आ जाएगी, अगर आपके $100 हो गए होंगे। पता है मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन कब हुआ, जब मेरे $100 कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद इतना मैंने वेट करा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए,
बस कोई भी वीडियो हेल्पफुल सच्ची में नहीं मिल पा रहा था। एक मैंने ना योगेंद्र योगी जी की वीडियो देखी थी, उसमें वो बता रहे थे आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा बट 3 बार अप्लाई करने के बाद, बट वैसा नहीं था। मैंने एक दूसरे की वीडियो देखी, मैंने सेकंड टाइम में उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया ना, तो मेरा हो गया, एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया विद मतलब 48 आवर्स भी नहीं लगे, बस मैंने वो फॉर्म फिल करा। एंड गाइस उसको आपको बैक करना पड़ेगा, फिर से अपडेट करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ बाहर निकल गया आप उस ऐप से, उसके बाद फिर से जाइए तब आपको दिखेगा कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, मेरा तो ऐसे ही हुआ था, मैंने ज्यादा वेट नहीं करा, फिर तीसरे बार अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज वो फॉर्म से ही मेरा काम हो गया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।